वो पिंक मूवी में देख रहा था एक थोड़े टाइम थोड़ पहले उस मूवी से मुझे जेन्यूनली होप्स थी मुझे ऐसा लगा था कि वो मूवी है अबाउट मेकिंग गर्ल्स अवेयर मेकिंग गर्ल्स अवेयरबल फॉर देयर एक्शंस बट हम उस क्लाइमैक्स वाले सीन में आते हैं लास्ट में जहां पे अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं दैट नो योर ऑनर शी सेज एंड नो मींस मीन एंड समवन सो स्टॉप हुआ क्या उस मूवी में दैट देर इज अ गर्ल वो किसी लड़के के साथ फ्रेंड्स होती है एंड देन उसके साथ कुछ बुरा होता है आई गेस एंड देन वो लड़की उस लड़के के ऊपर केस करती है क्योंकि वो लड़का उसके पीछे पड़ा होता है तो हरास हर विच इज रॉन्ग और वो लड़की क्या दैट्स द स्टोरी बेसिकली ये मैंने परफेक्टली अप्लाई करके देखा इन डॉग सेंस जब क्या होता है कि एक ओनर जिसके पास एक डॉग है और लट से उसने किसी के ऊपर अटैक कर दिया हर केस में जो ओनर है वो चीख नो। रहा होता है, no, dummy, no, no. क्या मतलब है उस नो का उस टाइम पे जब अटैक हो रहा है उस अटैक को रोकने के लिए उस ओनर के नो का कोई मतलब नहीं है उस लड़की के, के केस में और उस मूवी के, के केस पे फाइनल अटैक में जब एक आदमी अपने आप को एनफोर्स करता है ऑन अ वुमेन हैव को इट एस विदर देन उसके नो बोलने का लड़की का कोई मतलब नहीं है वट डिड यू सेरो वट डिड यू है क्यों अब मैं आपको वो बताता हूं फ्रॉम डॉग्स परस्पेक्टिव देखो वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डॉग अटैक का किस तरह से वो शुरू होता है इमेजिन करो वो डॉग कोर्ट में गया और जज के सामने खड़ा है जज ने उसे बोला कि क्यों आपने इसके ऊपर अटैक किया वो डॉग बोलेगा रे जज साहब ये जब भी मैं पास्ट में दूसरे डॉग्स के ऊपर भोंका करता था ये मेरा बिहेवियर को पॉजिटिवली री करती थी इसे लग र, लग रहा था मैं क्यूट बन रहा हूँ और क्योंकि इसे खुशी मिलती है ये करने से ना ही ये मुझे करेक्ट करती है तो ऑब्वियसली इसे खुशी मिल रही है और मैंने इसकी खुशी के लिए ही अपना ये इस दूसरे डॉग के ऊपर अटैक किया बट जज साहब जदसा हाँ साहब पास्ट में भी इसने वो डॉग बोलेगा हाँ साहब पास्ट में भी इसने नो बोला है पर जब भी ये नो बोलती है फिर मैं जिद करता हूँ तो ये मुझे चीज दे देती है और फिर मुझे और प्यार करती है तो इसके नो का मेरे लिए कोई मतलब है नहीं इसके नो में मेरी हाँ है तो इसीलिए ये मैंने फाइनल अटैक परफॉर्म किया अपने ओनर की खुशी के लिए किस तरह से अप्लाई करोगे आप इसको इस सिचुएशन में मैं क्या रेकमेंड करता हूं जब कोई बोलता है कि दैट हाउ टू मैनेज दैट सिचुएशन बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो उस टाइम पे दैट इज टू शट अप एज द डॉग ओनर एंड मैनेज द सिचुएशन उस डॉग को पकड़ो हैंडल करो उसका नाम मत चीखो चिल्लाओ बैकग्राउंड पे नो नो बोलने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर बहुत अच्छी दुनिया होती वो जहाँ पे फीमेल्स के लिए भी ये सेम तरह से अप्लीकेबल है जब एक लड़की ने बोला नो दैट मीन्स नो जब एक डॉग ओनर ने बोला अपने डॉग को नो देन दैट मीन्स नो बट ये कुछ रीजन की वजह से काम नहीं कर रहा है वाई इज दैट अगर आप चाहते हो कि आपके नो में पावर हो देन आपको नो बोलना है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट जब एक डॉग दूसरे डॉग को देख रहा होता है एंड ही इज गेटिंग टेंस्ड अबाउट इट देन नो बोलना है. तब आप एनफोर्स करते हो, हो कर सकते हो ये चीज दैट नो मीनस नो इन अदर सेंस वो डॉग देख रहा है दूसरे डॉग को और वो टेंस हो रहा है घूर रहा है उसकी तरफ आप कुछ नहीं बोलते हो उसका बिहेवियर पॉजिटिवली री हुआ देन आप उसे करेक्ट करते हो किसी उल्टी सीधी सीधी तरह से उसे प्यार करके आप उसे बोलते हो कि नहीं 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 बापू नहीं नहीं कोई बात नहीं दूसरी तरफ देखो नहीं लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं भैया है इस तरह से वो पॉजिटिवली री हो रहा है ये चीज आप रोज कर रहे हो उसके साथ पॉजिटिवली री इन्फोर्स कर रहे हो उसके बैड बिहेवियर को उसकी बैड इंटेंशंस को और एंड में जब आप फाइनल अटैक हो जाता है देन ऑब्वियसली ऑब्वियसली तो उस मूवी के केस में अगर उसे नो no बोलना है लड़की को और फेमिनिज्म लड़कियों अगर आपको ये पावर चाहिए दैट नो मीन्स नो देन से नो टू फ्रेंडशिप आपको पता है उस लड़की की इंटेंशन क्या है कुछ लड़कियां हैं इतनी बेवकूफ ही जस्ट माई गायफ्रेंड नो ही इज नॉट योर जस्ट गायफ्रेंड पूछो उस अपने गायफ्रेंड से कि अगर ऐसा होता है अगर हमें ऐसा मौका मिलता दैट वी टू वर डेटिंग टूगेदर हाउ वुड यू फील अबाउट इट दें सीन देन सी हिज फेस देखो उसके आंखों में वो खुशी कहानी सुनाओ अपने उसको किसी बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उससे सजेशन मांगो अपने गाय बेस्ट फ्रेंड से कभी भी आपको वो रिलेशनशिप टिकाने की नहीं देगा राय ओह मैं तो ये नहीं करता यू डिजर्व बेटर गर्ल ही इज नॉट योर गाय फ्रेंड ही इज अ पर्सन हु इज इन होप्स दैट्स हु ही इज उस इंटेंशंस के साथ वो आपके आसपास घूमता है ठीक है और आप पॉजिटिवली री कर रही हो फीमेल्स उसका बिहेवियर टूवर्ड्स दी एंड जब कोई लट से नया लड़का आपको देख रहा है डोंट इंजॉय द इंटेंशंस आई नो यू ऑल डू इग्नोर करो उस बंदे को नाउ यू आर से नो जब वो आपको अप्रोच करता है बिकम अन इंटरेस्टेड इन इट नो जब वो आपको बोलता है टू इट्स माई बर्थडे टूडे ऑफ कोई जरूरत नहीं है नाओ आपकी फ्रेंडशिप का ये आपके नो मीन्स नो का कुछ मतलब है अमिताभ बच्चन की स्पीच ऑनर वो लड़की करेक्टर लेस है क्योंकि वो दारू पीती है वो लड़की करेक्टर लेस है क्योंकि वो पार्टी करती है दिस इज नॉट वट आई आई एम मीनिंग डू वट एवर आपको जो करना है आप वो करो बट अगर आप किसी लड़के के साथ कर रहे हो जिसकी इंटेंशन बैड है अबाउट यू जो कि है कहां लिखा के लोगे मुझसे प्लीज ले लो जो कि है अगर आप उसके साथ कर रहे हो उसके साथ पार्टी कर रहे हो उसके साथ शराब पी रहे हो उसके साथ उसके रूम में जा रहे हो उसके साथ उसके कमरे में बैठ रहे हो एंड देन आप बोल रहे हो दैट नो मीन्स नो इज नॉट वर्किंग देन इट विल नेवर वर्क पियो दारू अकेले में पियो दारू अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ कौन मना कर रहा है राइट right? बट ये डिल्यूजन है बहुत बड़ा कि हम अपने किसी भी एक्शन की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे बट जब हम बोले तब उस आदमी को सुनना चाहिए वेल यू आर लिविंग इन लाला लैंड दैट्स वेयर यू आर लिविंग इन आप उस फैंटेसी लैंड में जी रहे हो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट इसीलिए मैंने आपको बोला था तुम चीजों को फ्रॉम डॉग्स परस्पेक्टिव देखो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता एज अ डॉग बिहेवियरिस्ट कि कोई आदमी अपने डॉग का बैड बिहेवियर कॉन्टीन्यूसली री करता आ रहा है और लास्ट में जब वो नो बोले तो डॉग को सुनना चाहिए ट्रेन करो ट्रेनर साहब इसे कि नो बोले तो ये सुने इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू गर्ल्स ऑल्सो इट इज इम्पॉसिबल कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जस्ट फ्रेंड के साथ यू आर आप उसके साथ हैंग अराउंड कर रहे हो आप उसके साथ शराब पी रहे हो आप उसके साथ ट्रिप्स पे जा रहे हो आप उसके साथ होटल जा रहे हो आप उसके साथ उसके घर जा रहे हो उसके बेड में बैठ रहे हो उसके नाइट आउट में जा रहे हो ये सब उस बंदे की एक इंटेंशन की वजह से हो रहा है और लास्ट में जब वो करता है आगे his, उसका अपना दिमाग घूम जाता है दैट वो देन अभी तक ये क्या हो रहा था क्यों मेरे बिहेवियर को पॉजिटिवली री करती आ रही हो आपको बताता हूं ये क्यों डिल्यूजन है इमेजिन करो एक आदमी ऐसा बोल रहा है और ये कोर्ट वगैरह सब बोलते हैं पुलिस वगैरह सब बोलते हैं दैट नो मीन नो लड़की ने बोल दिया तो नो मीनस नो इमेजिन करो ये सिने, सेम सिनेरियो एक आदमी के लिए टैक्स भरना है तुम्हें नो no. तो जज तुम्हारा घर आके बेच देगा टैक्स भरने के लिए समझ में आई समझ में आई और जब तुम बिना घर के बैठे होंगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ होगी टू परफॉर्म दिस नो मींस नो बुल क्रैप तब सोचना इस बारे में बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है नो अरे भैया जेल लगाओ इस पे वाइफ की मेंटेनेंस का चार्ज दो इसे नौकरी नहीं है कुछ भी कर वाइफ है तेरी मेंटेनेंस दे इसको बच्चों का खर्चा तेरी जिम्मेदारी क्या क्या मतलब नो मीन्स नो अरे मेरी चॉइस कहाँ गई मेरी चॉइस है छः महीने में बच्चों की स्कूल की फीस दूंगा छः महीने में बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दूंगा मेरे बच्चे हैं कर सकते हो आप ये अप्लाई नहीं आई एम अपॉर दिस नो मीन्स नो नो मीन्स नो थिंग बट अगर आप उसे अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये चीज मैं सिखाता हूँ लोगों को हमेशा दैट नो no, आपको उस डॉग को तब नहीं बोलना है जब वो लीच पे आपको खींच रहा है और वो भौंक रहा है दूसरे डॉग के ऊपर नो no, आपको उस डॉग को तब बोलना है जब उसने देखा उसकी तरफ जब वो अलर्ट हुआ उस दूसरे डॉग की तरफ रिएक्ट करने से पहले तब नो बोलना है और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दैट इफ यू वॉन्ट योर नो मीन्स नो टू बी पावरफुल देन नो नो बोलो उस फ्रेंडशिप के लिए नो no बोलो टू हैव ड्रिंक्स विद दिस मैन दैट मैन हैज बैड इंटेंशंस क्या इंटेंशंस है वो सबको पता है आप हो सकते हो लाला ला लैंड में उसके साथ ये थोड़ा डिस्कस करो उसे ये निकलवाने की कोशिश कोश करो पता करने की कोशिश करो कि उसकी इंटेंशंस क्या है क्यों वो घूमता है आपके आसपास और अगर आपकी भी इंटेंशंस वो है देन कैरी ऑन विद योर लाइफ कैरी ऑन अगर आपकी भी इंटेंशंस वो है मेरा प्रॉब्लम है उन लोगों से जो अपने डॉग का बैड बिहेवियर नहीं चाहते बट उसे पॉजिटिवली री इन्फोर्स करते हैं उन लड़कियों से जो नहीं चाहते कि कोई भी लड़का उनके साथ करे, लेकिन उसका पॉजिटिवली उसका हर बिहेवियर को री इन्फोर्स करते हैं that's all i'm looking at for girls stay safe